गोवा में चल रहा है दूसरा इंडिया एनर्जी वीक, और इंडिया एनर्जी वीक में इस बार बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। खास तौर पे ऐसी चीज़ें जो गृहिणी अपने घरों में इस्तेमाल करती हैं, जिनसे खाना बनाती हैं, वो सिलेंडर। सिलेंडर आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ 25% PNG का इस्तेमाल हो रहा है और करीब 75% से ज़्यादा इसी तरह के सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये सिलेंडर की खासियत क्या है। दरअसल ये जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं, ये गैस सिलेंडर्स हैं, LPG सिलेंडर हैं, और इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में घरों में किया जाता है। इस सिलेंडर की खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये दरअसल प्लास्टिक के, या हम कहें कि फाइबर के सिलेंडर हैं, और ये फाइबर सिलेंडर्स जो हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। आपको हम दिखाएँ कि एक उंगली से इनको उठाया जा सकता है। अब आप देखिए, एक उंगली से मैं उठा पा रहा हूँ इसको, और एक उंगली से 3-4 बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो ये सिलेंडर इतने हल्के हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी गृहिणी घर में अगर सिलेंडर आता है तो उसको बड़े आराम से इसको उठा करके अपने घर तक ले जा सकती है। तो इसमें 10 किलो 12 किलो के हिसाब से इसमें गैस आती है। क्या खासियत है और वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे रघुपति जी से। लेकिन इसमें आप देखिए, ये जो सिलेंडर है, दरअसल इसमें ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके सिलेंडर में गैस कितनी बची है, कितनी रह गई है, कितना कहीं चोरी तो नहीं हुई है गैस, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक छोटा सिलेंडर, ये आप देखिए, इस सिलेंडर की खासियत ये है कि ये हल्का भी बहुत है, और इसको आप कहीं भी कैंपिंग करने जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो इसको अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, और इसमें बर्नर भी फिट किया गया है। तो इस तरह के इंडिया एनर्जी वीक में घरेलू चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसको शोकेस किया गया है। ना सिर्फ घर के लिए ये सिलेंडर, बल्कि कमर्शियल सिलेंडर जो हैं वो भी काफ़ी हल्के हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको भी मैं एक उंगली से उठा सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये भी काफ़ी हल्के सिलेंडर्स हैं। किस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पे अगर इस तरह के सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, ये आप देखिए, ये सिलेंडर जो है भरा हुआ है, इसमें आपको गैस जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। जब अंधेरा होगा तो आपको यहाँ पर गैस चमकते हुए दिखाई देगी कि अंदर कितनी गैस है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है हर साल ब्लास्ट में, सिलेंडर ब्लास्ट में कई लोग मारे जाते हैं, और इस वजह से इस तरह के सिलेंडर्स की जो है रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है। हमारे साथ में रघुपति जी हैं, डायरेक्टर हैं ये, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर सिलेंडर, इस तरह के सिलेंडर लाने की वजह क्या थी और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सर, ये सिलेंडर जो हमने लाया है पहली बार इंडिया में, फर्स्ट मैन्युफैक्चर है, इसके बेस्ट जो फीचर है वो है ब्लास्ट प्रूफ। ये सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर भी अगर आग लगती है तो इसमें ब्लास्ट या एक्सप्लोजन नहीं होगा। ब्लास्ट नहीं होने की वजह से घर में कभी भी आग लगती है तो मौत नहीं होती है, तो वो सबसे बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। तो मतलब ये अगर हम ये सिलेंडर का फटने की कंडीशन, या फिर इसमें जल, ये अगर इसमें आग लग जाती है तो ये मेल्ट हो जाएगा, फटेगा नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये थोड़ा जैसा आग लग करके जैसा गर्म हो जाएगा तो इस फाइबर में से गैस थोड़ा हल्का हल्का सा लीक होगा। आप 4-10 फीट की दूरी से आप गैस सिलेंडर को जलता हुआ देख सकते हो, लेकिन इसमें ब्लास्ट या एक्सप्लोजन नहीं होगा। एक नॉर्मल जो सिलेंडर होता है वो अगर फटता है उस घर में कितना नुकसान हो सकता है? वो जब स्टील सिलेंडर फटता है तो आप समझ लीजिए जो आदमी उस घर में जो भी है उनकी डेफिनेटली मौत होती है, या कहीं ना कहीं उनका चोट लगती है। वो जैसे बम फोड़ते हैं, बिल्कुल वो बम विस्फोट होता है, वैसा ही है सिलेंडर, स्टील सिलेंडर विस्फोट होना, तो उससे कोई अलग नहीं है। तो स्टील सिलेंडर के मुकाबले में ये बिल्कुल ब्लास्ट प्रूफ होने की वजह से जो है जब भी कभी आग लगेगी तो उसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो कोई घर जो है एक्सप्लोजन होने से घर वगैरह जो है मकान टूट करके गिर जाती है, वो सब नहीं होगा। अच्छा, मान लेते हैं ये सिलेंडर ठीक इस जगह पर रखा हुआ है, ठीक इस जगह पर रखा हुआ है, और हम इतनी दूरी पर मौजूद हैं, आप सामने से दिखाइए ज़रा, हम इतनी दूरी पर मौजूद हैं तो इतना मतलब इतने डिस्टेंस में हमें कुछ नहीं होने वाला है इसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको गर्मी लगेगी सिलेंडर की, जो जल रहा है उसकी थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन आपको ये देख करके आपको एक्सप्लोजन का बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोड ही नहीं होगा। ब्लास्ट प्रूफ होने से आप देख सकते हो कैसे जल रहा है। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? पहला तो ये है कि चलिए ठीक है, ये हल्का है ये समझ में आ गया। दूसरा ये है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है। तीसरा क्या फ़ायदा है? तो इसमें जो लाइट वेट होने की वजह से जो है आप कहीं पर भी मोबिलिटी, कहीं बाहर जा रहे हो तो सिलेंडर आप ले जा सकते हो, अपने बूट में रख करके ले जा सकते हो। घर में जो जब डिलीवरी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि घर में जो है आपके घर गृहिणी पुरुष हो, घर की गृहिणी भी जो सिलेंडर को हैंडल कर सकता है। तो ये सब वजह की वजह से। तीसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है गवर्नमेंट को, और आम आदमी को जो फ़ायदा हो जा रहा है,
इस सिलेंडर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वजन जो है करीब करीब आधा से भी कम है इसके स्टील सिलेंडर के मुकाबले में, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का आपको बहुत सेविंग्स हो जाता है। इस तरह के सिलेंडर्स आप देख रहे हैं कि मार्केट में आ चुके हैं, कितने लोगों डिमांड कर रहे हैं इससे, इस तरह के सिलेंडर की? सर अभी देखिए सिलेंडर IOCL ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, 10 से 12 लाख सिलेंडर उन्होंने बेच भी चुका है। तो बात करेंगे इसकी कीमत की, कीमत जो है बहुत मायने रखती है। हमारा कनेक्शन जो है, हम कहते हैं कि वो जो स्टील वाला सिलेंडर है उसमें 5100 रुपये में कनेक्शन हो जाता है जिसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कितना में होगा? एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, जो गैस आप रोजाना यूज़ करते हो हर में, जो गैस आप रोजाना यूज़ करते हैं हर महीने में आपका जो खर्चा आता है, जो गैस का जितना खर्चा होता है, आप कॉम्पोजिट सिलेंडर ले लीजिए या स्टील सिलेंडर ले लीजिए, आपको कोई ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जितना गैस का कीमत है वही गैस का कीमत आपका हर महीने में वही रहेगा। लेकिन जब आप पहली बार जब लाएंगे और जब डिपॉजिट देते हैं, तो अब अगर स्टील सिलेंडर में आपको 2200 रुपये का डिपॉजिट देना पड़ता है, तो इसमें जो आपको जो है 3000 रुपये का डिपॉजिट देना पड़ता है। 700-800 रुपये टाइम में एक ही बार 700-800 लाइफ टाइम में एक ही बार 700-800 रुपए का एडिशनल कह सकते हैं। 700-800 में आप सेफ्टी खरीद रहे हैं, वो पूरी तरह से आप सेफ्टी खरीद रहे हैं, एक इंश्योरेंस जैसा हो जाता है, आप समझ लीजिए घर वालों के लिए और घर के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस हो जाता है। तो 70-80% इसका वेट रिड्यूस हो गया खास तौर पे। और अगर गैस चोरी की बात की जाती है तो अक्सर हम तौल के देखते हैं, लेकिन तौल के अब आप ना देखिए, अब नजर दौड़ा लीजिए इस जगह पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी इसमें गैस है, कहीं चोरी तो नहीं हुई है। दूसरा ये कि ब्लास्ट प्रूफ है, यानी कि आने वाले समय में अगर आपके घर में आग लगती है या कोई लीकेज होता है, उस समय आपको डर लगता है कि आपका आपकी जान को तो खतरा है ही है, आपकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान है। और प्रॉपर्टी अगर नुकसान होती है, जान का नुकसान होता है, तो जाहिर तौर पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसे में ना सिर्फ जान जाएगी आपकी बल्कि आपके सिलेंडर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये मेल्ट होगा और घर में भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह का इंडिया एनर्जी वीक में बाकायदा सिलेंडर्स को शोकेस किया गया है। लाइटर सिलेंडर्स जो हैं वो गृहणियों के लिए अब आ चुके हैं मार्केट में। दूसरा अब आपको दिखाते हैं एक और चीज़, हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल काफ़ी ग्रीन फ्यूल माना जाता है, और हाइड्रोजन के फ्यूल को लेकर के अब देखिए इस तरह के जो सिलेंडर, ये तो हालांकि CNG सिलेंडर्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिलेंडर किस तरह के हैं वो भी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं कि किस तरह के हाइड्रोजन के सिलेंडर्स जो हैं वो मार्केट में आएंगे। काफ़ी लाइट वेट सिलेंडर्स जो हैं उनकी डिमांड इस समय ज़्यादा है, और यही वजह है कि लाइट वेट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जा सके। सर ये हाइड्रोजन सिलेंडर है, किस तरह के सिलेंडर हैं और किस लिए इस्तेमाल होंगे ये हाइड्रोजन सिलेंडर? ये कंपोजिट कार्बन फाइबर से बना हुआ सिलेंडर है। ये एज स्टील सिलेंडर नॉर्मली हाइड्रोजन को पैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो काफ़ी हजार्डस है और काफ़ी हाई प्रेशर गैस है। आप समझ लीजिए, मैं आपको खाली एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, LP में जो अंदर प्रेशर है वो खाली 20 bar है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है करीब 500-700 bar तक होता है। उस लेवल तक प्रेशर अगर आपको करना है तो स्टील सिलेंडर तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी वजन बढ़ जाता है। उसके मुकाबले में आप कंपोजिट सिलेंडर जो यूज़ करते हैं, करीब करीब आप समझ लीजिए 90% आपको वेट रिडक्शन मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टील सिलेंडर। इसको उठा के देख सकते हैं क्या? क्या ये बहुत ही ये कहीं बंधा हुआ है? हाँ अच्छा, ये आप देखिए, अरे वाह, ये आप देखिए कितना लाइट वेट है। मतलब इतना बड़ा सिलेंडर अगर आप हाथ से आराम से उठाए ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 90% इसको वेट रिड्यूस कर आपको वेट रिडक्शन मिल जाएगा स्टील सिलेंडर के मुकाबले में। ये इस्तेमाल कहाँ होगा, ये वाला सिलेंडर कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे हम? ये सर अभी हाइड्रोजन प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोग्राम है, हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी होने की वजह से जो बन रहा है, तो हाइड्रोजन जब भी मैन्युफैक्चर होता है उसको जहाँ यूज़ करना है उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन करना है उसमें आपको कंपोजिट सिलेंडर जरूर लगेगा। ये सिलेंडर्स जो है अब मार्केट में आने लगे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि वेट को रिड्यूस किया जा सके। अगर वेट रिड्यूस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के सिलेंडर्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बेहतर तरीके से हो सकेगा। और दूसरा ये कि ग्रीन एनर्जी के तौर पर हम भारत को आगे विकसित देशों की तरफ ले जा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोवा।